हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी बिल्डिंग की 3D क्रिएट करते हैं, और 3D क्रिएट करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसमें डोर और विंडो की कटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज जो हमारी है, इस सीरीज में हमने कंप्लीट बिल्डिंग पार्ट वन में हमने देखा किस तरीके से बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, मीन्स प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद पार्ट टू में हमने देखा कि किस तरीके से लेआउट प्लान बनाते हैं, पार्ट थ्री में हमने देखा किस तरीके से एलिवेशन बनाते हैं, और आज के पार्ट फोर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से 3D क्रिएट करते हैं वॉल की, और पार्ट फाइव में देखेंगे हम लोग किस तरीके से कंप्लीट 3D मीन्स उसमें डोर विंडो लगा के किस तरीके से कंप्लीट 3D बनाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ को मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं अभी रैबिट पे लेके जाने वाला हूँ। रैबिट पे भी इसकी 3D बनाएंगे, स्टैट प्रोप इसकी एनालिसिस करेंगे, रैबिट पे इसका लाइक क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन निकालेंगे, और ई टैप्स पे भी इसकी एनालिसिस करेंगे। तो इस सीरीज़ को मैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। कृपया आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो यार, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर दो। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। चलिए और स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं किस तरीके से किसी भी बिल्डिंग का 3D बिल्डिंग प्लान का 3D बनाते हैं। फ्रेंड्स, 3D बनाने के लिए सबसे पहले हमको 3D लेयर बना लेना चाहिए। तो 3D लेयर बनाना बड़ा ही आसान है। जस्ट गो टू लेयर प्रॉपर्टीज एंड जस्ट क्रिएट न्यू लेयर एंड हियर 3D वॉल, जस्ट नेम दे दीजिए इसको 3D वॉल। इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक योर ओन 3D विंडो, 3D डोर। इस तरीके से हमने अलग अलग 3D लेयर्स दे दिया। 3D वॉल के लिए हमने कलर चूज कर दिया। सपोज आई वॉन्ट द कलर इज येलो, एंड फॉर 3D विंडो यू कैन चूज कलर, सपोज आई वॉन्ट अ सियान कलर, एंड 3D डोर वट एवर कलर यू वॉन्ट, सपोज आई वॉन्ट दिस वन। ओके, सो डन योर 3D लेयर। नाउ आफ्टर दिस जस्ट गो टू 3D वॉल, जस्ट गो टू 3D वॉल, एंड देर इज अ वेरी सिंपल मैथड कैसे चेंज करना है। देखिए, जस्ट क्लिक हियर ऑन वर्क स्पेस एंड गो टू 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में जाइएगा, and after this just draw the rectangles from here, from this point to this point, from this point to this point, from this point to this point. Now if you want from here to here, you can just draw here, from this point to this point, from this point to this point, just draw from here to here. This one to this point, this one to this point, this one to this point, this point to this point. I think it's done. Okay. From this point to this point, तो दोस्तों इस तरीके से हमें ट्रेस कर देना है, और ट्रेस करने के बाद देखो ये गलत आ रहा है, तो हमको सही करना है। कैसे सही करना है, लाइक दिस। डन, इस तरीके से हमने 3D बना देनी है। मैं यहाँ का नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा दोस्तों, तो अभी मैं उसको रहने देता हूँ। सबसे पहले हम पीछे का सभी से बना लेते हैं, एंड इसके बाद जस्ट गो टू, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वॉल के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, बस।
अब इसके बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ से किसी भी एक आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाइए। नाउ जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, डन। और इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लगा दीजिए। ओ अभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली 3D में, मतलब मैंने इसका यूनिट नहीं सेट किया था, तो यूनिट सेट नहीं किया तो मुझे तो पता है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मुझे रखना है 10 फीट, 10 फीट इन द सेंस कि अगर इंचेस में बात करें, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में चल रहा है तो मैं डायरेक्ट 120 इंचेस डाल सकता हूँ, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचेस, तो 120 इंचेस मैंने डाल दिया। इस तरीके से मेरा काम तो हो गया, बट आपके लिए अच्छा होगा कि आप यू एन करना और इंटर कर देना, और यहाँ पे आप आर्किटेक्चर रखना और आर्किटेक्चर के बाद यहाँ पे इंचेस रखना है, तो आपको इजी आएगा। तो इस तरीके से हमने 3D बना दिया। अगर आप देखना चाहेंगे इसको तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से क्लिक कर दिए रियलिस्टिक व्यू पे। ये देखिए हमने 3D तैयार कर दिया इसका। अगर आपको चाहिए कि इसमें डोर और विंडो की कटिंग्स भी हो जाए, तो डोर और विंडो की कटिंग के लिए आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको फिर से जाइए यहाँ टॉप में जाइए और यहाँ पे इसको पे क्लिक करके वायर फ्रेम में चले जाइए और इसके लेयर को ऑफ़ कर दीजिए। इसके लेयर को ऑफ़ कैसे करेंगे? इसके लेयर को ऑफ़ करने के लिए आपको फिर से लेयर पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाइए और यहाँ से हमने क्या किया, हमने ओपन कर लिया, पहले विंडो तैयार करते तो विंडो लेयर ओपन कर लिया और हमने 3D वॉल लेयर को ऑफ़ कर दिया। अब हमारे पास क्राउड नहीं है, हम तुरंत जल्दी जल्दी से अपना काम कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल लीजिए फ्रॉम देयर टू दिस पॉइंट, फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, आई थिंक डन 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 डन, यस डन। एंड आफ्टर दिस अब चलिए साथ में ही हम लोग इसके साथ ही अपना डोर लेयर भी ले लेते हैं, तो हम लोग को काम ईजी हो जाएगा। 3D डोर तो एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपको दो बार में नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से हमने लिया डोर के इस पॉइंट को, या तो इस पॉइंट को लीजिए और यहाँ तक आप डोर ले लीजिए, यहाँ पर लिया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट उठाइए, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये पॉइंट लिया और ये हमने क्लोज कर दिया। डन। और हमने इस तरफ से पॉइंट लिया और इस तरफ से, फ्रॉम हियर, डन डन। ओके आफ्टर दिस जस्ट गो टू आइसोमेट्रिक व्यू एंड देन सपोज सबसे पहले हम लोग गेट के लिए कर लेते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट गेट, गेट मतलब डोर एंड डोर एंड डोर 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 एंड डोर, सबके डोर हमने सेलेक्ट कर लिए। और डोर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड जैसे ही करेंगे तो कितना डोर की साइज़ कितना होगा, 7 फीट। सो जस्ट क्लिक किया 7 फीट, इंटर। नाउ आफ्टर दिस साथ ही साथ अब इसको भी कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग पहले विंडो लेयर को ओपन कर लेते हैं। विंडो लेयर ओपन कर लिया और फिर हमने क्या किया, इस विंडो को सेलेक्ट किया, इस विंडो को सेलेक्ट किया, इस विंडो को सेलेक्ट किया और इस विंडो को भी सिलेक्ट कर लिया, इस विंडो को भी सिलेक्ट कर लिया, या डन। एंड आफ्टर दिस जस्ट एक्सट्रूड, और हमने इसको दे दिया हाइट, दे दिया 4 फीट का, बट ये ज़मीन में तो होगा नहीं, इसकी सील हाइट होगी, क्या होगी इसकी सील हाइट। तो दोस्तों विंडो की जो सील हाइट होती है वो 3 फीट होती है, तो जब सबको हमको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर मूव कर देंगे। मूव करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने 3 फीट इसको मूव कर दिया, और मूव करने के बाद
अब अपने वॉल लेयर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने वॉल लेयर को ऑन कर लिया। ओके, तो हमारे पास इसमें वॉल भी आ गया, डोर भी आ गया, विंडो भी आ गया। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें रिमूव कर दें कैसे रिमूव करना है किसी वॉल में से किसी विंडो को। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या जाना है, सबट्रैक्ट कमांड पे जाना है और वॉल मीन्स बड़ा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, छोटा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, फिर से सबट्रैक्ट कमांड ले लीजिए स्पेस बार से और बड़ा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, छोटा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक। हम एक साथ भी कर सकते हैं बट आपको ईजी होगा कि सिंगल सिंगल अभी करें क्योंकि अभी आप सीख रहे होंगे। राइट क्लिक, राइट क्लिक, डन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी विंडो तैयार कर दिए। अब चलिए डोर भी साथ में तैयार कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो हमने फिर से सेपरेट कमांड लिया, बिग ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ओके, बड़ा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, छोटा ऑब्जेक्ट राइट क्लिक। मैं स्पेस बार से बार बार कमांड ले रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ से आप कमांड ले रहे हैं। डन, या एवरीथिंग इज डन। नाउ इफ यू वांट टू सी दिस, देखिए यहाँ पे आपको डोर मिल गया, यहाँ पे विंडो मिल गया, यहाँ पे भी डोर मिल गया, यहाँ पे भी विंडो मिल गया, यहाँ पे भी डोर मिल गया, यहाँ पे भी विंडो मिल गया। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी है 3D तैयार करना किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। तो हम लोग इस तरीके से 3D तैयार कर सकते हैं। अब इसमें आता है नेक्स्ट स्टेप कि डोर और विंडो बना के लगाते कैसे हैं। तो क्या आपको वो भी चाहिए कि हम बताएं आपको कि डोर और विंडो कैसे लगाते हैं? डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें डोर और विंडो भी चाहिए कि किस तरीके से प्लेस करते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पे भी कैसे जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट में डोर और विंडो भी बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इसको ऊपर के व्यू पे कैसे, मतलब कॉपी कैसे करेंगे ऊपर की ओर और साथ ही साथ इसके व्यूज़ कैसे तैयार करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर देना। शेयर करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैंने अभी कुछ प्लान किया है। प्लान ये है कि मैं आपको ऑटोकैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। बट उसके लिए बस आप लोगों को, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करो, कुछ नहीं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसका स्टेटस लगा लो। इस वीडियो को देखने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद जय भारत।